जहां पर भारत बंद के चलते दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा बंद कर दी गई है। देखिए अंबाला में यहां पर खासे एहतियात बरते गए हैं और काफी तादाद में यहां पर पुलिस भी तैनात की गई है। किसान मूवमेंट पर 5 पुलिस की बटालियन मोर्चा संभालेगी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन्स बंद हैं और रेलवे ट्रैक और स्टेशन की सुरक्षा में जीआरपी को तैनात किया गया है। जिला प्रशासन प्रदर्शन की वीडियोग्राफी भी करवाएगा, क्योंकि देखिए पीपली में जो घटना हुई उसको लेकर यहां पर जरूर बचने की कोशिश की जाएगी। लगातार पीपली में यही कहा जा रहा था कि लाठी चार्ज किया गया किसानों पर, लेकिन किसी तरह का इस पर अभी फिलहाल सरकार की ओर से नहीं एक्शन हुआ, क्योंकि गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं कि कोई लाठी चार्ज हुआ नहीं है। तो अब आज जो आंदोलन हो रहा है उसकी भी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। राजकुमार शर्मा हमारे साथ अंबाला से जुड़ गए हैं। राजकुमार, आप जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या कुछ तस्वीरें मिल पा रही हैं भारत बंद की आपको? जी बिल्कुल, जैसे जैसे मतलब समय बढ़ रहा है और अब लगभग जो है 10 बज चुके हैं और किसान जो है अब सड़कों पर उतर आए हैं। हंडेसरा में भी जो है किसान इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और अंबाला टेंट में भी अभी 10 से 15 किसान जो है वो एसडी कॉलेज के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी किसानों का आना जारी है। लेकिन आप सड़क देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में और बसों में इनका काफी असर देखने को मिला है। सारा प्लेटफॉर्म जो है वो खाली पड़े हैं और इनको सुरक्षा के लिए जीआरपी और आरपीएफ तैनात की गई है और हिमाचल जल शताब्दी एक्सप्रेस सहित जो है कई ट्रेनें जो है इससे प्रभावित हुई हैं और रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि चंडीगढ़ और ऊना के बीच जो ट्रेनें चलती थी वो भी रद्द कर दी गई है। पंजाब साइड अमृतसर और दिल्ली साइड जो भी ट्रेनें चलती थी उनको भी रद्द कर दिया गया। जी जी बिल्कुल, ट्रेन्स रद्द कर दी गई हैं, बसेस बंद कर दी गई हैं, लेकिन अभी फिलहाल किसानों की ओर से जो प्रदर्शन हो रहा है वो आपको क्या लगता है आगे जैसे वक्त बढ़ेगा किस तरह का रूप ले सकता है? क्या यहाँ पर किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के मूड में है या फिर जैसा कि कहा जा रहा है कि सड़कों पर ट्रैफिक जैम करेंगे, हाईवेज को रोका जाएगा, क्या इस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल तो किसान जो है वो कमी सड़कों पर आए हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा किसान जो है सड़कों पर आते जाएंगे और उनका प्रदर्शन जो है उग्र भी हो सकता है, क्योंकि वैसे पुलिस को स्पष्ट निर्देश है कि किसानों को जो है कुछ ना कहा जाए जब तक वो कोई नुकसान नहीं करते, लेकिन कुछ किसान जो है छोटे छोटे एरियों में ग्रामीण एरियों में जाकर जो है दुकानें बंद करवा रहे हैं और अभी जो इनका प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। लेकिन अगर आगे बढ़कर लगता है कि जब किसान नेता यहाँ आएंगे और उसके बाद जो है उनके भाषणों के बाद जो है ये प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है, लेकिन पुलिस ने जो है पूरे व्यवस्था कर रखी है, कम से कम 5 बटालियन जो है वो इस काम में लगा रखी है और उनको सफाई निर्देश है कि किसानों को ज्यादातर छेड़ा न जाए, उन्हें आराम से ही समझाए। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजकुमार जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से यही किया जाएगा, अगर किसानों का ये आंदोलन उग्र रूप लेता है तो उन्हें समझाइश दी जाएगी और अभी फिलहाल धीरे धीरे ही यह आंदोलन जो है वो शुरू हो रहा है। आगे देखते हैं क्या तस्वीर बनती है। चलिए अब जींद के हालात जान लेते हैं। बड़ी खबर जींद से आपको बता दें, जहां पर कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का भारत बंद का असर जो है जींद में भी देखने को मिला। कि जींद से पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रेन का रूट बदल दिया गया है। 2 दिनों तक जींद से होकर पंजाब की तरफ नहीं जाएंगी ट्रेनें। अब रोहतक भिवानी होकर ये रूट तय किया जाएगा, ये ट्रेन का रूट जरूर चेंज किया गया। फिलहाल किसी भी ट्रेन को नहीं जाना है जींद से होते हुए, यानी अब जींद रेलवे ट्रैक से कोई भी ट्रेन 2 दिन तक नहीं गुजरेगी। रूट बदल दिया गया है, पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रेन्स को रोक दिया गया है और रूट बदल दिया गया है। अब ये ट्रेन रोहतक रेलवे लाइन से होते हुए जाएगी, उस साइड से जाएगी। जींद में अभी फिलहाल ये एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि किसान जो है वो रेल रोकने की बात कर चुके हैं। तो वैसे में किसी भी तरह की असुविधा इन ट्रेन्स में चलने वाले लोगों को ना हो, इसका ध्यान रखते हुए अंबाला में भी ट्रेन्स को रोक दिया गया है कि अंबाला में भी ट्रेन्स रेलवे स्टेशन पर नहीं आ रही हैं और वहीं जींद में भी जो ट्रेन जींद के रूट से जाने वाली थी उनका रूट बदल दिया गया है। तो रेलवे ने ये प्रबंधन किया है आज के इस भारत बंद को देखते हुए। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक है अंबाला छावनी की, अंबाला कैंट के रेलवे स्टेशन की, एक है जींद रेलवे स्टेशन की। इन दोनों ही रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन्स की आवाजाही को बंद कर दिया गया है और अभी फिलहाल जींद रेलवे ट्रैक से जींद रेलवे स्टेशन से 2 दिनों तक कोई ट्रेन नहीं गुजरेगी।
तो 2 दिनों तक जींद से होकर पंजाब की तरफ नहीं जाएंगी ट्रेन्स।